पावर में माइनस फाइव बाई टू था जो 11 हो गया, 12 13 14 कौन सा नहीं हुआ 14, चलो 14वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, 14वां में दो ग्रह जिनकी त्रिज्याएं R1 R2 हैं, घनत्व समान है, उनकी सतह पर गुरुत्वीय त्वरणों का अनुपात क्या होगा? 14वां नहीं है ये, कौन सा है 13, तो 13वां हो गया कि नहीं है? अगला बोलो, बताना मेरे में अलग क्यों दिए हैं, ये किताब बताओ जरा, ये किताब तो दे, कौन सा हो गया 13वां? हाँ 14वां है, नहीं है 15वां हो गया, नहीं हुआ 15वां। देखो सुनने वाला है, पृथ्वी पर वस्तु का पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। यदि वस्तु को 45 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किया जाए तो वस्तु का पलायन वेग कितना होगा? आपने पलायन वेग का सूत्र पढ़ा था, क्या था? अंडर रूट 2gm / r या अंडर रूट 2gr, यही था। इस केस, इस सूत्र में कहीं भी कोण नहीं आता, आता है क्या? इसका मतलब है कि वस्तु को हम फेंक रहे हैं तो वो कोण पर निर्भर नहीं करती, और इस बात पे भी निर्भर नहीं करती कि किस वस्तु को फेंक रहे हैं, उस वस्तु के द्रव्यमान पर भी निर्भर नहीं करता। तो अंडर रूट 2gm / r में कैपिटल M होता है, किसका द्रव्यमान होता है? उस ग्रह का द्रव्यमान होता है जहां से फेंक रहे हैं। तो ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, वस्तु के द्रव्यमान पर पलायन वेग निर्भर नहीं करता, और किस कोण से फेंक रहे हैं उस बात पे भी निर्भर नहीं करता। इसलिए पलायन वेग अभी भी कितना रहेगा? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड ही रहेगा। 16वां हो गया था, बोलो नहीं हुआ, तो चलिए 16वां देखते हैं। 16वें में कहा गया है कि यदि पृथ्वी व चंद्रमा की त्रिज्याएं क्रमशः M1 R1 और M2 R2 हैं, उनके केंद्रों के बीच की दूरी d है, उनके मध्य बिंदु से स्मॉल m द्रव्यमान की एक वस्तु को कितने न्यूनतम वेग से फेंका जाए कि वह पलायन कर जाए, पलायन कर जाए, ठीक है? तो चलिए पलायन कराते हैं इसको अपन, जैसा कहा जाए वैसा चित्र बना लो, 60% क्वेश्चन चित्र बनाते ही सॉल्व हो जाता है। देखो क्वेश्चन नंबर 16, यदि पृथ्वी व चंद्रमा की मात्रा व त्रिज्याएं क्रमशः M1 R1 और M2 R2 हैं, तो यहां हो गई पृथ्वी, अर्थ इसका द्रव्यमान है M1, त्रिज्या कितनी है R1, और यहां पर कहीं एक मून है, चंद्रमा है, जिसका द्रव्यमान M2 है और त्रिज्या क्या है R2 है, दोनों को मिला दिया, उनके केंद्रों के बीच की दूरी d है, मिलाने पर उनके दोनों के केंद्र के बीच की दूरी क्या है d है, उनके मध्य बिंदु से यानी दोनों को मिला रहे हैं उस लाइन पर, ये मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु से स्मॉल m द्रव्यमान का एक पिंड फेंका जाए, और किधर फेंका जाए, कहां फेंका जाए, इधर कहीं फेंका जाए, कितने वेग से फेंका जाए वो वेग पूछा है, जिससे कि कहां पहुंच जाए, ये अनंत पर पहुंच जाए, कि बस पलायन कर जाए, पलायन कर जाए मतलब कहां पहुंचाना है आपको, अनंत पर पहुंचाना है, ठीक है? तो अब इसमें कोई सीधे सूत्र नहीं लगाएंगे, अब हम ऐसे सोचेंगे कि हमने पलायन वेग निकाला कैसे था, ठीक है? वो मेथड याद रखो, कैसे निकाला था हमने, ऊर्जा संरक्षण से निकाला था, मतलब इस बिंदु की कुल ऊर्जा बराबर अनंत की कुल ऊर्जा, बराबर कर दो ऊर्जा संरक्षण से तो पलायन वेग निकल आएगा, ये इसमें करना है। तो पहले इस बिंदु की कुल ऊर्जा देखो, इस बिंदु पर जो स्मॉल m द्रव्यमान रखा है, उस स्मॉल m द्रव्यमान की कुल ऊर्जा निकालें ऊर्जा संरक्षण से, बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो बताओ ये होगी टोटल मैकेनिकल एनर्जी, कहां की, प्रारंभिक बिंदु की, इनिशियल पॉइंट की, फिर टोटल मैकेनिकल एनर्जी कहां की, अंतिम बिंदु की, ये ऊर्जा संरक्षण होता है, ठीक है? टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इस पॉइंट की, तो यहां मैकेनिकल एनर्जी में कौन कौन सी आती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, तो यहां बताओ सबसे पहले गतिज ऊर्जा है इस एम की,
क्यों नहीं है? बिना गतिज ऊर्जा के ऊपर चला जाएगा। फेंक रहे हो ना, फेंक रहे हो तो उसमें हमने चाल दी है उसको, तभी तो ऊपर जाएगा वो, है ना। अगर गतिज ऊर्जा नहीं है तो वो स्थिर ही रहेगा। तो यहाँ स्मॉल एम द्रव्यमान की, चूंकि यहाँ वेग दिया है, चाल दिया है, तो गतिज ऊर्जा है कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर, जो कि अपने में अपने को वी निकालना है, प्लस ये एम द्रव्यमान की इसके साथ क्या आएगी, स्थितिज ऊर्जा आएगी कितनी, माइनस जी। क्या होती है स्थितिज ऊर्जा का सूत्र बोलो, ब्रैकेट माइनस, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, माइनस जी इसके साथ एम वन इंटू स्मॉल एम डिवाइड बाय यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी, डी बाई टू। और इसकी भी तो होगी इसके साथ कितनी, माइनस जी एम टू स्मॉल एम डिवाइड बाय यहाँ से यहाँ तक की दूरी, वो भी डी बाई टू हो गई कुल ऊर्जा। इस बिंदु पर जो स्मॉल एम द्रव्यमान रखा है उसकी कुल ऊर्जा, एक तो गतिज ऊर्जा और एक इसकी ऊर्जा और एक इसकी ऊर्जा बराबर। अब अनंत पर पहुंच गए, अनंत पर पलायन वेग की स्थिति में तो क्या होता है, वेग शून्य हो जाता है अनंत पर, और स्थिति ऊर्जा तो शून्य होती है क्योंकि दूरी अनंत हो जाती है, इसलिए तो यहां दोनों ही शून्य रहेंगे। अब हम इसको इस तरफ ले जाएं माइनस वाले को, और स्मॉल एम तो तीनों में ही है यहां पर, तो जीरो छोड़ा देंगे कॉमन लेके, यहां बचा वी स्क्वायर बाई टू, इन दोनों को उधर ले गए बराबर, माइनस माने प्लस हो जाएंगे, इधर टू पर गया तो टू जी एम वन अपॉन डी प्लस टू जी एम टू अपॉन कितना डी आ जाएगा, कॉमन ले लो, क्या कॉमन आ रहा है, टू जी बाई डी। तो वी स्क्वायर बराबर दो का यहां गुणा कर दें, दो दुनी चार, दो दुनी चार, तो चार बटे डी कॉमन आ जाएगा, फोर बाई डी कॉमन, अंदर क्या बचा, और जी भी तो कॉमन है, अंदर क्या बचा, एम वन प्लस एम टू, हमें तो वी निकालना है, तो वी बराबर कितना, अंडर रूट ले लिया जाए तो चार का वर्गमूल दो, दो बाहर ले लो, अंदर क्या बचा, कैपिटल जी एम वन प्लस एम टू डिवाइड बाय डी, ठीक है, यही उत्तर हो जाएगा। दो अंडर रूट में कैपिटल जी एम वन प्लस एम टू बटे डी, या मान लो कि ये बहुत ज्यादा दूरी पर है, अनंत दूरी पर है तो क्या जीरो होगा, स्थिति ऊर्जा दोनों की जीरो, क्योंकि दोनों के बीच में दूरी अनंत है, और अनंत पर स्थिर अवस्था में है ये लिखा है, तो उनकी गतिज ऊर्जा भी जीरो ही हो गई, और दो ही ऊर्जाएं हम लेते हैं, गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में, इसलिए हम कहेंगे कि अनंत पर दोनों ही कैसे हैं, उनकी दोनों ही ऊर्जाएं शून्य हैं। अब अनंत से अनंत पर स्थिर रखे थे तो M1 M2 का द्रव्यमान है, तो उनके बीच में क्या हुआ, आकर्षी बल लगा, आकर्षी बल लगा तो दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित होंगे और उनका वेग में, उनका वेग बदलेगा, वेग में परिवर्तन होगा, ठीक है। जो प्रारंभिक वेग शून्य था अनंत पर, वो वेग अब धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, बढ़ने लगेगा, तो जैसे ही अनंत से उठ के यहां तक आ गए तो यहां इस M1 का वेग हो गया मान लो कितना, V1, और इधर M2 जो अनंत पर था वहां से भागता भागता यहां तक आ गया तो इसका वेग कितना हो गया, V2, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि जब ये एक दूसरे से कितनी दूरी पर आ जाएं, अनंत से खिसक के R दूरी पर आ जाएं, कहां पर आ जाए, अनंत से खिसक के ये R दूरी पर आ जाएं गति करते करते, तो उस समय इनके वेग होते हैं कितने, V1 और V2। तो बताइए दोनों का सापेक्ष वेग कितना है, तो सापेक्ष वेग जब हम पढ़ेंगे, या आप लोगों ने पढ़ रखा है पहले से ही, ध्यान हो लास्ट ईयर पढ़ाई था कई बच्चों को, सापेक्ष वेग क्या करते हैं, जैसे अगर एक ही दिशा में जा रहे हैं दो कण, और एक का सापेक्ष वेग दूसरे के सापेक्ष निकालना है, तो जिसके सापेक्ष निकालना है वो घटा देते हैं, विपरीत दिशा में जा रहे हो तो
जोड़ देते हैं, ठीक है। ये सिंपल सा नियम हमने उस समय पढ़ा था, तो अभी तो इतना ही ध्यान रख लो, बाकी डिटेल में हम सापेक्ष वेग जब पढ़ेंगे तो बताऊंगा। अभी तो सिंपल सी तरीका यह है कि जैसे एक रेलगाड़ी में जा रहे हैं आप और हमारी गाड़ी धीरे धीरे चल रही है, ठीक है, और सामने से एक और गाड़ी आ रही है दूसरी पटरी पर पैरेलल, वो हमसे भी धीरे धीरे चल रही है, तो हम दूसरी गाड़ी को देखते हैं तो दूसरी हमसे तेज दिखाई देती है, दिखाई देती है कि नहीं। हम जिस गति से चल रहे हैं उससे भी कम अगर सामने वाली आ रही है तो जब हम उसको देखेंगे तो हमें वो हमसे ज्यादा तेज गति से पीछे की ओर जाती हुई दिखती है। ऐसा इसलिए होता है कि हम एक्चुअली हम अपने सापेक्ष देख रहे होते हैं उसको, यानी हमने अपना वेग भी उसमें जोड़ दिया है। तो अगर हम 30 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चल रहे हैं और वो 20 से आ रही है तो हमें वो कितनी से आती हुई प्रतीत होगी, 50 किलोमीटर पर आर से आती हुई प्रतीत होगी, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें होता है कि अगर V1 V2 वेग एक दूसरे के विपरीत हैं तो सापेक्ष वेग क्या होगा, जुड़ेंगे, और समान दिशा में है तो घटेंगे, ठीक है। तो यहां अपने को सापेक्ष वेग ज्ञात करना है दोनों का, यानी VR रिलेटिव वेलोसिटी, तो चूंकि विपरीत आ रहे हैं तो इसका मतलब हमें V1 प्लस V2 ज्ञात करना है, इतना फिलहाल ध्यान रख लें। जब V1 प्लस V2 ज्ञात करना है तो पहले तो V1 चाहिए और फिर V2 चाहिए, फिर दोनों का जोड़ चाहिए, यहां से क्वेश्चन की स्टार्टिंग होगी। तो V1 V2 निकालने के लिए अब सोचो, V1 निकालने पहले तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कोई तरीका दिख रहा है, पहले तो आप ही बताओ फिर मैं बताता हूं। ऊर्जा संरक्षण लगा दो, एक तरीका यह है, अनंत पर स्थित, कुछ नहीं समझ में आया तो ऊर्जा संरक्षण लगा दो, अनंत पर स्थित पूरे निकाय की ऊर्जा, ठीक है, और फिर ये इधर आ गए आर दूरी पर तो इस निकाय की ऊर्जा ऐसे निकाला जा सकता है, ठीक है। और कोई तरीका बोलो, और क्या किया जा सकता है, जब वस्तुएं, दो वस्तुएं अपने आप एक दूसरे के पास में आती हैं और किसके कारण आती हैं, उनमें आकर्षण लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, उनके कारण अपने आप आ रही हैं, तो इसका मतलब हम बाहर से कोई बल नहीं लगा रहे उनको लाने के लिए, वो तो अपने आप ही आ रही, और जो बल है गुरुत्वाकर्षण वो उस निकाय का आंतरिक बल है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में एक संरक्षण और होता है, बोलो क्या होता है, संवेग संरक्षण, रेखीय संवेग संरक्षण, कोणीय संवेग तो उसमें होता है, किसमें, वृत्ताकार गति में या दीर्घ वृत्ताकार गति में, लेकिन अगर किसी निकाय पर बाहरी बल नहीं लग रहा है तो उसमें रेखीय संवेग भी संरक्षित होता है। तो इसमें दो संरक्षण लगाएंगे हम, कौन कौन से, एक तो ऊर्जा संरक्षण और एक रेखीय संरक्षण, दोनों की हेल्प से V1 V2 के मान अपन निकाल लेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे। चलिए पहले लगाया जाए रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है, मींस रेखीय संरक्षण, रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत से। रेखीय संवेग संरक्षण क्या कहता है कि पूरे निकाय का प्रारंभिक संवेग बराबर पूरे निकाय का अंतिम संवेग, और संवेग सदिश राशि है तो दिशा भी लिखनी है। प्रारंभिक संदेश क्या होगा पूरे निकाय का, प्रारंभिक संवेग संवेग क्या होगा, प्रारंभिक जब वो अनंत पर थे तो जीरो था, जीरो, दोनों का संवेग जीरो, प्रारंभ में तो अनंत पर है ना, और अनंत पर स्थिर है, स्थिर है तो संवेग शून्य, क्योंकि संवेग में द्रव्यमान गुणा वेग आता है, तो पहले कण का संवेग शून्य और दूसरे कण का भी संवेग शून्य। फिर अंतिम संवेग, अंतिम संवेग मतलब जब ये आर दूरी पर आ गए, आर दूरी पर आ गए तो इसका संवेग क्या, M1 V1, इसका संवेग क्या, लेकिन M2 V2 इसके विपरीत है तो क्या लगेगा यहां, माइनस M2 V2। इधर से हिसाब समझ में आ गया, इसको इधर ले लो, M2 V2 बराबर आ गया M1 V1, ये हमारे एक काम का समीकरण बन गया, इसका यूज हम आगे कहीं कर लेंगे, ठीक है। अब आ जाए कौन सा संरक्षण, बाय कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी की बात चल रही है।
तो प्रारंभ में कुल ऊर्जा बराबर अंत में कुल ऊर्जा, प्रारंभ में क्या थे अनंत पर थे तो स्थित ऊर्जा जीरो, और स्थिर थे तो गतिज ऊर्जा भी जीरो, तो दोनों ही जीरो बराबर आर दूरी पर आ गए। यहां पर इसकी गतिज ऊर्जा प्लस इसकी गतिज ऊर्जा प्लस दोनों की स्थित ऊर्जा, ठीक है, स्थित ऊर्जा दो कण निकाय की होती है और गतिज ऊर्जा अलग अलग होती है, तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी हाफ एम वन वी वन स्क्वायर, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी हाफ एम टू वी टू स्क्वायर, ठीक है। गतिज ऊर्जा हमेशा धनात्मक होती है स्थिर, और स्थिर कण की शून्य होती है, अदिश राशि है, इसमें दिशाएं नहीं होती, सीधे सीधे जुड़ते हैं, ठीक है, माइनस प्लस इसमें नहीं आता, माइनस नहीं आता प्लस। अब आ जाओ इन दोनों कणों की स्थिति ऊर्जा अभी तो है कितनी होगी, वो होगी माइनस जी एम वन एम टू बटे कितना आर, कितनी दूरी पर आ गए वो स्मॉल आर दूरी पर आ गए इसलिए, ठीक है, ये कुछ हिसाब किताब बन गया। इसको इधर खींच लो तो ये हो जाएगा प्लस का जी एम वन एम टू डिवाइड बाय आर बराबर वन अपॉन टू एम वन वी वन स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू एम टू वी टू स्क्वायर। अब हमें वी वन की वैल्यू निकालनी है, वी वन चाहिए था ना, बाद में वी टू की भी निकाल लेंगे, तो वी वन निकालना है तो एक काम करें यहां से वी टू हटाएं, और वी टू हटाने का तरीका क्या, समीकरण एक से वी टू की वैल्यू निकालो इसमें रख दो, ठीक है, तो समीकरण एक से ये वी टू की वैल्यू निकाल के मैं यहां रखता हूं तो देखो कितना आ जाएगा, आप देखते जाना कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए तो बता देना और मैं गड़बड़ करूंगा जानबूझ के। जी एम वन एम टू बटे आर बराबर एक बटे दो एम वन वी वन स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू एम टू गुणा वी टू की वैल्यू कितनी एम वन वी वन बटे एम टू, तो स्क्वायर है तो क्या आएगा एम वन स्क्वायर वी वन स्क्वायर डिवाइड बाय एम टू स्क्वायर, ठीक है, यही होगा। अब सोचो कुछ कट रहे हैं क्या, एम टू से एक एम टू उड़ जाएगा, और बताओ सरल करना है, एम वन इसमें भी है एम वन इसमें भी है और एम वन इधर से भी उड़ जाएगा एक, और बोलो दो से गुणा कर दूं प्रत्येक में ये दो और दो भी चले जाएंगे, ठीक है, तो क्या मिलेगा, और मुझे तो क्या चाहिए वी वन चाहिए था, तो दो से गुणा करें पहले तो जरा बताओ इधर क्या आएगा टू जी एम वन अपॉन आर, हाँ एम टू, यही तो मैं कह रहा था एम टू बाय आर बराबर, इधर बोलो ओनली कितना वी वन स्क्वायर, इधर बोलो, इधर बोलो क्या बचा, एक तो एम वन बचा एक एम टू बचा और वी वन स्क्वायर बचा, तो एम वन बाई एम टू इधर क्या बचा वी वन स्क्वायर, यही बच गया। अब क्या करें वी वन स्क्वायर कॉमन ले लें और इधर एलसीएम ले लें एम टू, तो क्या बन जाएगा एम टू प्लस एम वन, उसको एम वन प्लस एम टू लिखा जा सकता है, प्लस में तो कुछ भी लिख दो टू जी एम टू बटे आर। अब कुछ मिल रहा है वी वन की वैल्यू, वी वन स्क्वायर निकालना है, बोलो वी वन स्क्वायर यहां रखा ये इधर गया टू जी एम टू स्क्वायर और बटे में आर ब्रैकेट एम वन प्लस एम टू स्क्वायर हटा दूं रूट लगा दूं, तो वी वन बराबर फाइनली क्या आया बता दो जल्दी से, फाइनली वी वन कितना आया एम टू का स्क्वायर और रूट में है तो एम टू बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा
टू जी अपॉन आर ब्रैकेट एम वन प्लस एम टू, यही बचा कि नहीं बचा? ये आ गया वी वन, ऐसे ही निकालना है वी टू। तो फिर ऐसे ही नहीं निकालना, आप इस वी वन को देख के ही बता सकते हो वी टू क्या आएगा। इसी प्रकार, किस प्रकार, इसी प्रकार वी टू बराबर क्या आएगा बोलो, जहां एम टू है वहां एम वन आ जाएगा, और कोई अंतर आएगा क्या? अंडर रूट में 2g बटे r ब्रैकेट m1 प्लस m, मतलब हमको ये करना है सीधा सीधा, जहां m2 है वहां m2 लिख दो, m1 लिख दो, जहां m1 है वहां m2 लिख दो, पलटना है। तो m2 की जगह m1 आ गया, अब इनको तो पलटेंगे तो वही चीज आ जाएगी, ठीक है, प्लस में ये v1 v2 आ गए। हमें निकालना क्या था? ये सापेक्ष वेग। तो फाइनली देखो उत्तर आने वाला है। अब वी आर बराबर, जोड़ो इन दोनों को, जोड़ने पर कुछ कॉमन आ रहे हैं, कितना कॉमन आ रहा है? अंडर रूट टू जी बटे आर एम वन प्लस एम टू, ब्रैकेट के अंदर ये कॉमन आ गया तो एम टू बचा था, इसमें ये कॉमन आ गया तो एम वन बचा था, तो एम टू प्लस एम वन बचा। एम टू प्लस एम वन को एम वन प्लस एम टू लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बताओ फाइनली क्या आया? वी आर बराबर, ये जो m1 प्लस m2 है और नीचे रूट में m1 प्लस m2 है, तो इसको भी रूट के अंदर ले गए तो m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और उस होल स्क्वायर से एक नीचे का m1 प्लस m2 खत्म हो जाएगा। तो अब बताओ फाइनली क्या बचेगा? अंडर रूट में 2g बटे स्मॉल r ब्रैकेट में m1 प्लस m2 रूट के अंदर, यही हमारा उत्तर है। कितना आसान है। लिख लिया, चलो अगला सवाल है। अठारह, अठारह में निम्न वक्र किसी ग्रह की सूर्य के चारों ओर गति को दर्शाता है, तो कौन सा चित्र सही है? टी स्क्वायर और आर के बीच में ग्राफ खींचना है। क्वेश्चन नंबर 18 आप अपने नोट्स में देखेंगे, और उसमें बोला गया है कि टी स्क्वायर और आर की पावर 3 के बीच में ग्राफ क्या है किसी ग्रह के लिए। तो आपको मालूम है टी स्क्वायर समानुपाती क्या होता है? आर की पावर 3, ग्रह गति में कैपलर का तीसरा नियम है ये, आवर्तकाल का वर्ग आर क्यूब के समानुपाती होता है। तो टी स्क्वायर को वाई अक्ष पर लिया, आर क्यूब को एक्स अक्ष पर लिया, तो समानुपाती संबंध आ रहा है, तो ग्राफ कैसा बनेगा? सरल रेखा। ग्राफ में हमने पढ़ा था कि अगर वाई समानुपाती एक्स हो तो उसका ग्राफ कैसा होता है? मूल बिंदु से जाती हुई सरल रेखा होता है, मूल बिंदु से जाती हुई सरल रेखा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20वां सी हो जाएगा। 20वें में हमने एक सूत्र पढ़ा था, अगर ध्यान आ रहा हो, पूरा डिराइव भी करवाया था, उससे हम ये निकाल सकते हैं। क्या सूत्र पढ़ा था वो आपको एक बार और मैं ध्यान दिला रहा हूं। वो कहता है स्मॉल एम द्रव्यमान का एक रॉकेट पृथ्वी की सतह से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर वी वेग से छोड़ा जाता है। ये पृथ्वी है, ये रॉकेट छोड़ रहे हैं ऊपर, कितने द्रव्यमान का रॉकेट है? स्मॉल एम द्रव्यमान का, कितने वेग से छोड़ रहे हैं? वी वेग से। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? करवा दिया गए? करवा दिया, हाँ तो छोड़ो फिर, क्यों बोल दिया करो, डबल डबल मेहनत करवा रहे हो। चलो 21वां सवाल, एक कृत, हाँ 20वां सवाल, एक कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में पलायन वेग के आधे वेग से घूम रहा है। एक कृत्रिम उपग्रह है पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में पलायन वेग के आधे वेग से घूम रहा है, घूम रहा है, तो वो कौन सा वेग होगा? कक्षीय वेग होगा।
तो यहां प्रश्न में बोला गया कि जो कक्षीय वेग है वो पलायन वेग का आधा है, ये क्वेश्चन नंबर 20 में ये कहा गया। तो ज्ञात कीजिए, नंबर वन, उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई ज्ञात करो। नंबर टू, यदि पृथ्वी उपग्रह को अचानक उसकी कक्षा में रोककर स्वतंत्र रूप से गिरने दिया जाए तो पृथ्वी से किस वेग से वो टकराएगा। चलिए पहले वी जीरो देखते हैं कितना आता है, ऊंचाई निकालनी है ना, किस ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो बताइए वी जीरो कक्षीय वेग सूत्र क्या होता है, अंडर रूट जी एम अपॉन आर प्लस एच, पृथ्वी की सतह के निकट आर होता है और एच ऊंचाई की बात कर रहे हैं तो आर प्लस एच। तो यहां वी जीरो की जगह क्या लिख दूं, बोलो, अंडर रूट जी एम बाई आर प्लस एच बराबर एक बटा दो अंडर रूट कक्षीय वेग पलायन वेग का आधा है। तो पलायन वेग आखिर होता कितना है बताओ, अंडर रूट टू जी एम बाई आर, लिख दें, कितना लिख दूं, टू जी एम बाय आर, ठीक है, इसमें आर प्लस एच तो लेते नहीं, मालूम है ना, कक्षीय वेग में आर प्लस एच होता है और इसमें अंडर रूट टू जी एम बाई आर। अब हमें h निकालना है तो सिंपल तरीका है, दोनों तरफ क्या कर दो, वर्क कर दो जिससे रूट हट जाए ये, तो वर्क किया तो ये आ गया जी एम बाय आर प्लस एच, इधर एक बटे दो का वर्ग चार हो गया, एक बटे चार, इधर टू जी एम बाई आर हो गया, जी एम से जी एम उड़ा दो, दो से ये चार उड़ा दो, दो दूनी चार, आर प्लस एच बराबर आया 2R, तो H का मान निकालना है 2R माइनस आर बराबर आर, ठीक है, मतलब ये पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई तक पहुंच जाएगा, इतनी ऊंचाई तक पहुंच जाएगा। दूसरा इसमें क्वेश्चन पूछा गया, यदि पृथ्वी के उपग्रह को अचानक उसकी कक्षा में रोककर स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरने दें तो किस वेग से पृथ्वी की सतह पर टकराएगा, वेग निकालना है। देखो ऐसा सोचो, एक वस्तु को पृथ्वी सतह से ऊपर फेंकें तो किस ऊंचाई तक पहुंच जाएगा, उसके लिए क्या सूत्र था, पृथ्वी सतह से अगर ऊपर फेंक दें किस ऊंचाई तक पहुंचता है, अंडर रूट 2gh बटे 1 प्लस एच वाई आर, अंडर रूट 2gh बटे 1 प्लस एच वाई आर होता है अगर h का मान अज्ञात हो तो, और या h का मान ज्यादा हो तो, यहाँ h का मान तो बहुत ज्यादा है, पृथ्वी की त्रिज्या के ही बराबर है। तो अगर उल्टा सोचो, वहां से छोड़ दें तो कितने से गिरेगा, जितने से फेंका था उतने से ही गिरेगा, पढ़ते हो ना आप एक विमीय गति में पढ़ते हैं, एक वस्तु को अगर हम पृथ्वी तल से बहुत ज़्यादा ऊंचाई ना हो तो जितने वेग से फेंकें अंत में जाके वहाँ शून्य हो जाएगा वेग एच ऊंचाई पर, फिर वहाँ से जब छोड़ देंगे तो लौट करके जितने वेग से फेंका था उतने वेग से ही गिरती है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि उपग्रह चक्कर लगा रहा है, चक्कर लगाता हुआ उपग्रह को विरामावस्था में ला दिया, रोक दिया और छोड़ दिया तो वो पृथ्वी की सतह पर गिरेगा, कितने वेग से गिरेगा सोच लो, जितने वेग से उसको फेंका गया होगा, तो वो वी बराबर आएगा अंडर रूट टू जी एच बटे वन प्लस एच बाय आर, बस एच और एच की जगह पे क्या लिख दें, आर, ये हो गया टू जी एच की जगह लिखा मैंने आर, डिवाइड बाय आर बाई आर कट गया, वन और वन टू, टू से टू कट गया, अंडर रूट जी आर टू जी एच अपॉन वन प्लस एच वाई आर, एच का मान आर है, आर वाई आर वन, वन प्लस वन टू, टू जी एफ टू जी आर, टू से टू कट गया, उत्तर आया अंडर रूट जी आर, ठीक है, ये आंसर है। प्रश्न क्रमांक 21, यदि किन्हीं दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल एक बटे आर के समानुपाती है
तो इस कण को वी कक्षीय वेग से वृत्ताकार मार्ग में घूमने दिया जाए तब इसका कक्षीय वेग निम्न के समानुपाती होगा। क्वेश्चन नंबर 21। देखो कक्षीय वेग जब निकालते थे तो उसके लिए हमने कौन सा सूत्र लगाया था, वस्तु का कक्षीय वेग निकालने के लिए कौन सा सूत्र लगाया था बोलो। वो तो जीएम बल निकाला कैसे था बोलो, गुरुत्वाकर्षण बल को अभिकेंद्रीय बल के बराबर कर दिया था। तो अभिकेंद्रीय बल हो गया एम भी जीरो स्क्वायर बाई आर बराबर, ये अभिकेंद्रीय बल कौन देगा, गुरुत्वाकर्षण बल। और प्रश्न में कहा गया है कि गुरुत्वाकर्षण बल किसके समानुपाती है, किसके समानुपाती है बोलो, वन बाई आर के। तो एम भी नॉट स्क्वायर को अपन आर लिख दें क्योंकि कैपिटल आर की बात कर रहा है, और गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो समानुपाती है वन बाई आर। तो यहाँ इसको समानुपाती भी हम वन बाई आर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्योंकि एम भी स्क्वायर अपॉन आर समानुपाती या बराबर होता है क्या बल, और बल व्युत्क्रमानुपाती है आर के, क्वेश्चन में दिया है। तो बल की जगह हम समानुपाती लिख के वन बाई आर लिख सकते हैं। तो ये आर से आर तो कट रहा है, आर तो खत्म हो गया, इसका मतलब वी जीरो तो आर की पावर जीरो के कैसा हुआ, समानुपाती, आर खत्म ही हो गया, मतलब आर पर निर्भर नहीं किया। ठीक है, तो कक्षीय वेग आर पर निर्भर नहीं कर रहा, अगर ये बल व्युत्क्रमानुपाती है आर के तो सामान्यतः जो बल लेते हैं वो आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए वो फिर वो आर पर निर्भर करने लगता है, लेकिन यहां नहीं कर रहा क्योंकि यहां पर क्वेश्चन में क्या कहा है कि बल आर के व्युत्क्रमानुपाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में एम द्रव्यमान के तीन बिंदु द्रव्यमान स्मॉल आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ में घूम रहे हैं और कोणीय वेग है ओमेगा, और किस कारण से घूम रहे हैं, परस्पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण घूम रहे हैं। किसी क्षण यह तीनों द्रव्यमान एक सम त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का निर्माण करते हों तो कोणीय वेग ओमेगा का मान आखिर कितना होगा। तो क्वेश्चन में यह कहा गया कि ऐसे स्मॉल एम द्रव्यमान के तीन कण वृत्ताकार कक्षा में घूम रहे हैं आर त्रिज्या में, और किसी क्षण ये एक समबाहु त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं और जिसकी भुजा स्मॉल ए है। तो स्मॉल ए के पदों में ही आंसर पूछा है, ठीक है, क्या पूछा है, स्मॉल ए के पदों में, ये स्मॉल ए है। तो उसका कोणीय वेग क्या है, कोणीय वेग निकालना है, क्या सूत्र होता है बोलो, कैसे करें इसको। किसी भी एक द्रव्यमान के कण को घूमने के लिए बाकी के अन्य इस पर जो फोर्स लगाएंगे उस फोर्स के परिणामी की दिशा कहां होनी चाहिए, केंद्र की ओर होनी चाहिए, तब तो ये घूम पाएगा। ठीक है, तो सोचते हैं इस पर कितना बल लग रहा है, ये स्मॉल एम इस स्मॉल एम को अपनी ओर आकर्षित करेगा एफ बल से, ये वाला एम भी इस एम को अपनी ओर आकर्षित करेगा एफ बल से, एफ और एफ के बीच में कोण कितना है 60 डिग्री है, तो परिणामी इनके बीच में आ जाएगा केंद्र की ओर, वो जाएगा एफ डैश, कितना हो जाएगा एफ डैश √3f हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इसमें ये जो एफ डैश है यही तो अभिकेंद्रीय बल दे रहा है, ये एफ डैश केंद्र की ओर है यही तो इसको घुमा रहा है, जो केंद्र की ओर बल होता है वही घुमा रहा है, तो वही घुमा रहा है, तो इसका मतलब अभिकेंद्रीय बल के बराबर लिख दो इसको, और अभिकेंद्रीय बल होता है एम ओमेगा स्क्वायर आर या एम भी स्क्वायर अपॉन आर, तो हमें तो ओमेगा चाहिए तो एम ओमेगा स्क्वायर आर लिखें, तो एम ओमेगा स्क्वायर और किस त्रिज्या में घूम रहा है स्मॉल आर, तो स्मॉल आर लिख दिया। ठीक है, जिस त्रिज्या में घूम रहा है वो त्रिज्या स्मॉल आर है, √3 एफ का मान क्या है इन दोनों के बीच में बल, बोलो जरा बल का मान, कैपिटल जी एम इंटू एम, एम स्क्वायर बाई ए, भुजा है ए, ए का स्क्वायर। अब ये स्मॉल आर का मान और लिख दें अपन ए के पदों में, तो ध्यान आ रहा होगा क्या किया था,
बोलो केंद्र से समबाहु त्रिभुज के शीर्ष तक की दूरी क्या होती है? ए बाय रूट थ्री। जिनको नहीं पता उनको एक बार और बता देता हूँ। यहाँ से एक लंब डाला ऐसा, तो ये ऐसा त्रिभुज टाइप का बन गया कि नहीं? तो ये कोण कितना का होगा? 30 डिग्री, क्योंकि ये पूरा 60 का है। ये पूरी भुजा ए है तो आधी भुजा हो गई ए बाई टू। ठीक है, ये आर है, आर निकालना है तो आधार है, ये कर्ण है। तो कॉस 30 लगा दो, आधार बटे कर्ण, यानी ए बाय टू आधार, कर्ण हो गया आर। कॉस 30 का मान कितना होता है? रूट थ्री बाई टू बराबर ए बाई टू आर। टू से टू काट दो, आर निकालना है तो आर बराबर क्या हो गया? ए बटे रूट थ्री, ये हो जाएगा ए बाई रूट थ्री। ठीक है, अब ये हमारे पास ए बाई रूट थ्री आ गया। इसको याद रखना, समबाहु त्रिभुज के केंद्र से शीर्ष तक की दूरी क्या होती है? ए बाई रूट थ्री। यहां रख देते हैं अपन एम, एक एम तो काट दो, क्या बचेगा? ओमेगा स्क्वायर गुणा आर की जगह ए बाई रूट थ्री बराबर इधर रूट थ्री जी एम बाय ए स्क्वायर। हमें ओमेगा फाइंड करना है तो एक काम करो, ओमेगा स्क्वायर बराबर रूट तीन का रूट तीन में गुणा कर दो, तीन हो गए जी एम बटे ए का एक स्क्वायर में गुणा करो, एक की पावर तीन हो गया। ओमेगा चाहिए, स्क्वायर हटा दो, स्क्वायर हटाया तो रूट लग गया, अंडर रूट थ्री जी एम बाय ए क्यूब। देखो कोई उत्तर है, सी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, अंडर रूट थ्री जी एम बाय ए क्यूब। ठीक है, चलो कॉपी करो जल्दी से। अगला प्रश्न है कौन सा? 23। एक कण को द्रव्यमान रहित स्प्रिंग से लटकाने पर यह पृथ्वी की सतह पर स्प्रिंग की लंबाई 2 सेंटीमीटर बढ़ाता है। जब यही कण पृथ्वी की सतह से 2624 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाया जाए तो स्प्रिंग की लंबाई में कितने सेंटीमीटर की वृद्धि करेगा? बोलो, इसके लिए पहला सवाल सोचो, एक व्यक्ति का पृथ्वी की सतह पर भार कितना था? 60 केजी। कौन सी ऊंचाई पर 30 केजी हो गया, मतलब आधा कहां हो गया? कितनी ऊंचाई निकाली थी लगभग? बोलो कितनी निकाली थी? 2650। और ये भी लगभग, ये 2624 है, लगभग मान में निकालना है तो 2624 और 2650 में कोई अंतर नहीं है बहुत ज़्यादा, अगर बहुत ऊंचाई की बात की जाए तो। तो 2624 किलोमीटर की ऊंचाई पर जी का मान लगभग क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो इसमें ऐसे उत्तर में लिखो, स्पष्ट है कि 2624 किलोमीटर की ऊंचाई पर 2624 किलोमीटर की ऊंचाई पर 2624 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्मॉल जी का मान लगभग आधा अर्थात जी बाई टू हो जाएगा। स्मॉल जी का मान लगभग आधा जी बाई टू हो जाएगा, अतः सूत्र देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 23 है। इसमें ये कह रहा है कि 2624 ऊंचाई की बात कर रहा है, यहां पर हमने कहा कि जी का मान कितना हो जाता है? जी बाई टू। ये क्वेश्चन नंबर 1 में हम देख चुके हैं। ठीक है,
अब आपको ये मालूम है कि बल बराबर होता है एम जी, ये भार होता है, और ये जो भार है स्प्रिंग से अगर नापते हैं तो स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन होता है माइनस के एक्स उसके बराबर होता है। एक्स माने प्रसार और के स्प्रिंग का नियतांक, तो एफ बराबर माइनस के एक्स भी होता है, एफ बराबर एम जी भी होता है। तो जी किस पर निर्भर किया या एक्स किस पर निर्भर किया? जी पर। एक्स निर्भर किया किस पर? जी पर। तो जैसे एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग में नीचे कोई वस्तु लटकाते हैं तो जितनी ज्यादा भार होगा, ऐसा सोचो कॉन्सेप्चुअली, फिजिक्स ही मत लगाओ, सिंपल सा तरीका है, एक सामान्य सा समझ लगाएं अपन कि एक स्प्रिंग बैलेंस है, उसमें नीचे अपन भार लटका दें, जितना ज़्यादा भार होगा उतनी ज़्यादा उस स्प्रिंग में प्रसार होगा, और भार निर्भर किस पे कर रहा है? जी पर। अगर जी का मान कम होगा तो स्प्रिंग में प्रसार कम होगा, और जी का मान ज़्यादा होगा तो स्प्रिंग में प्रसार ज़्यादा होगा। तो वो कहता है पृथ्वी की सतह पर प्रसार हो रहा है कितना? 2 सेंटीमीटर। कब? जब पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीकरण जी है। अब इतनी ऊंचाई पर चले गए 2624 ऊंचाई पर, वहां जी का मान ही आधा हो गया, तो जी का मान आधा हो गया तो भार भी आधा हो गया, भार आधा हो गया तो प्रसार भी आधा ही होगा, इसलिए जो 2 सेंटीमीटर प्रसार था सतह पर वो 1 सेंटीमीटर वहां पर प्रसार हो जाएगा। तो इसका उत्तर होगा क्या? 1 सेंटीमीटर। तो यहां लिख दें स्प्रिंग में प्रसार भार अर्थात जी पर निर्भर करेगा, स्प्रिंग पर, स्प्रिंग में प्रसार भार पर निर्भर करेगा, स्प्रिंग में प्रसार भार पर निर्भर करेगा 2624 किलोमीटर की ऊंचाई पर भार आधा है, 2624 किलोमीटर की ऊंचाई पर भार आधा है, इसलिए क्या आधा हो जाएगा? प्रसार भी आधा हो जाएगा, प्रसार भी आधा हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 24। एक रॉकेट को भी बराबर √2gr के वेग से पृथ्वी की सतह के निकट से समुद्र तट से ऊपर की ओर छोड़ा गया है, तब इस रॉकेट की अंतर आकाशीय क्षेत्र में गति क्या होगी? किस वेग से छोड़ा गया है रॉकेट को? √2gr। ये पलायन वेग से ज्यादा है या कम है? बोलो, ज्यादा है। पलायन वेग होता है बी बराबर बी बराबर √2gr। फेंका किससे गया? 2√gr, मतलब इससे तो ज्यादा वेग से फेंका गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 24। तो ये पलायन वेग से फेंकते तो अनंत पर रुकता, लेकिन पलायन वेग से ज्यादा से फेंक रहे हैं तो अनंत पर रुकेगा नहीं, अनंत से रुकेगा नहीं, अनंत से आगे निकल जाएगा। तो अनंत से जैसे ही वो आगे निकलेगा तो वहां अंतर आकाशीय स्पेस है, वहां पर उसका वेग क्या होगा? तो वो वेग कैसे निकालते हैं? वी डैश बराबर √, जिस वेग से फेंका गया उसका स्क्वायर, माइनस पलायन वेग का स्क्वायर। यही सूत्र हमने डिराइव किया था, बनाया था यह सूत्र। बस वी का मान कितना है बोलो? 2√gr का स्क्वायर, और पलायन वेग कितना है? √2gr का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व किया जाए तो ये 4gr माइनस 2gr मतलब √2gr, ये उत्तर है। चलो 26, 27, 28 ये करो आप लोग। दो तीन मिनट का समय, कुछ करवा दिया क्या मैंने? अभी नहीं करवाया ना, करो। 27 करवा दिया था, बाकी के जरा दिमाग लगाओ क्या कह रहे हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है कि दो वस्तुओं के द्रव्यमान m1 m2 है और एक दूसरे से अनंत दूरी पर है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, m1 और ये m2 पहले कहां पर है? अनंत दूरी, तो यही अनंत मान लें। अगला प्रश्न बोलो। कौन सा क्वेश्चन है? 25 क्या रहा है? ए ठीक है, 3/2 टी बाय आर गुना डेल्टा आर। कैसे करेंगे इसको? देखो 25 को एक उपग्रह स्मॉल आर त्रिज्या के प्रति पथ में पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है जिसका आवर्तकाल कितना है? टी है। यदि इसके प्रति पथ की त्रिज्या को कितना बढ़ा दें? डेल्टा आर बढ़ा दें, मतलब त्रिज्या में परिवर्तन कर दें डेल्टा आर, तो आवर्तकाल में परिवर्तन डेल्टा टी कितना हो जाएगा? यह है, ठीक है। तो सबसे पहले तो बताओ आवर्तकाल और त्रिज्या में क्या संबंध होता है, बताओ। टी स्क्वायर समानुपाती आर, आर की पावर 3, टी स्क्वायर समानुपाती आर की पावर 3। ये दो को इधर ले जाओ तो टी समानुपाती आर की पावर 3/2 हो गया। अब इसको क्या करें, जो त्रुटि वाला फार्मूला था, परिवर्तन वाला फार्मूला था शुरुआत में बताया था, उसमें उस जैसा बदल दो क्योंकि सारे उत्तर में वैसे ही दिए हैं। तो टी को क्या लिखोगे? डेल्टा टी बटे टी, सापेक्ष परिवर्तन ऐसे ही निकालते हैं, डेल्टा टी बटे टी, परिवर्तन बटे प्रारंभिक मान, बराबर पावर क्या आ जाती है आगे 3/2 गुणा डेल्टा आर बटे आर, ऐसे ही करते थे। सूक्ष्म परिवर्तन के लिए पावर को सीधे आगे ले आओ और ये सापेक्ष परिवर्तन डेल्टा आर बटे आर। अब डेल्टा टी निकालना है, बराबर 3/2 ये हो गया, टी को ऊपर ले जाओ टी बटे स्मॉल आर गुणा डेल्टा आर। देखो यही उत्तर है क्या? ये उत्तर हो गया ए, ठीक है, ये आ रहा है। प्रश्न क्रमांक 27 हो गया, क्या रहा है 27 में? क्या देखा ना कौन सा सवाल है 27? नहीं पहले तो 26 करना पड़ेगा, 26 करो पहले, 26, 27, 28 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखें, पृथ्वी के सूर्य के सापेक्ष कोणीय संवेग और इसकी मात्रा का अनुपात इतना इतना है, तो L बटे M दिया हुआ है इतना। पृथ्वी कक्ष द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल क्या होगा? लो पकड़ो, क्या दिया हुआ है प्रश्न में, ये पहले तो समझ लो क्या दिया है, बताओ। दो तीन बार पढ़ो प्रश्न को, समझ में आएगा क्या दिया है, क्या दिया है? कोणीय संवेग और किसका अनुपात दिया है? मात्रा का अनुपात। कोणीय संवेग को किससे प्रदर्शित करते हैं? L से। क्वेश्चन नंबर 26 है ये, बोलो। L द्रव्यमान को m से कितना दिया L/m? 4.4
टेन टू दी पावर 15 ये दिया, इकाई दी होगी बनी रंदो जो भी है। इसके बाद और क्या दिया है, घेरा गया क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल पूछ रहा है ए का मान। हमने एक सूत्र पढ़ा था dA बटे dt बराबर 1/2 बोलो L अपॉन M, यही पढ़ा था L बाई 2m पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। अब इस प्रश्न में एक काम कर सकते हैं, L बाई 2m तो दिया ही हुआ है, उसमें 2 से भाग कर दो, इधर dt से गुणा कर दो, समय दिया है उसमें, देखो पढ़ो क्या दिया है प्रश्न में। L बाई m तो दिया हुआ है, फिर क्या क्या पूछा है, हाँ तो प्रति सेकंड पूछा होगा, फिर बताओ प्रति सेकंड पूछा है तो अपन 1 लिख देंगे। पृथ्वी के सूर्य के सापेक्ष कोणीय संवेग और इसकी मात्रा का अनुपात इतना है, पृथ्वी द्वारा घेरा गया, पृथ्वी कक्ष द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल, ठीक है, फिर पूरा क्षेत्रफल पूछ रहा है। पृथ्वी ने एक पूरी कक्षा लगा ली, तो उसके द्वारा जो दीर्घवृत्त बना उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो dt से यहाँ गुणा कर देंगे, तो इसका मतलब एक कक्षा कितने समय में लगा लेगी, 24 घंटे में चक्कर लगा लेगी सूरज का, 365 दिन में, ठीक है, तो 365 दिन का गुणा कर देंगे अपन तो उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो अपने को कुल क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना, तो कुल क्षेत्रफल कितना हो गया, dA बराबर 1/2 L अपॉन m गुणा dt, ये हो जाएगा। तो क्षेत्रफल कुल 1/2 L बाई m का मान कितना दिया, ये दिया 4.4 × 10^15, ये कुल समय ले लेंगे t, पूरी पृथ्वी पूरे सूरज का एक चक्कर लगा ले तो जो क्षेत्रफल बनेगा वो क्षेत्रफल चाहिए, तो एक चक्कर कितने समय में लगाएगी, एक वर्ष में, एक वर्ष मतलब 365 दिन, एक दिन में 24 घंटे और एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड, बस सेकंड तक पहुंचना है, इन सब का गुणा कर लो, ये तो 2.2 है, करो गुणा उत्तर निकाल लो, यही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 28, चंद्रमा का कोई उपग्रह इसके चारों ओर इसकी त्रिज्या आर के एन गुने त्रिज्या के पथ पर घूमता है, तो ये हो गया चंद्रमा, और ये हो गया चंद्रमा का उपग्रह, ठीक है, जिसका द्रव्यमान मान लेते हैं स्मॉल m। चंद्रमा का कोई उपग्रह और स्मॉल m है और इस चंद्रमा का द्रव्यमान कैपिटल m है, इसके चारों ओर चंद्रमा की जो त्रिज्या है r, इससे कितनी त्रिज्या में घूम रहा है, बोलो कितनी त्रिज्या में घूम रहा है, एन गुनी त्रिज्या यानी एन आर में घूम रहा है। जब ये घूमता है तो घूमता ही रहेगा अनंत काल तक, लेकिन क्वेश्चन में ये बोला गया कि इस उपग्रह पर बाहर से अंतरिक्ष से कुछ कॉस्मिक डस्ट आ रही है, धूल के कण आ रहे हैं, टकरा रहे हैं इससे, ठीक है, आकाश में कहीं से इसमें धूल के कण टकरा रहे हैं, टकराने के कारण इसकी जो चाल है उसमें धीरे धीरे कमी आ रही है, और किस प्रकार से कमी आ रही है कि ये धूल के कण इस पर जब टकराते हैं तो इन पर एक विरोधी बल लगाते हैं, और वो विरोधी बल है F बराबर, प्रश्न में दिया हुआ है कितना, अल्फा V² इतना बल लगाते हैं, ठीक है,
यानी जितना इसका चाल होती है उसके वर्ग, उसका वर्ग गुणा अल्फा, इतना विरोधी बल लगाते हैं। इस विरोधी बल के कारण क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे इसकी चाल कम होती जा रही है। चाल कम होती जाएगी तो इसकी ऊर्जा कम होती जाएगी, ऊर्जा कम होती जाएगी तो धीरे धीरे ये अब छोटी कक्षा में चक्कर लगाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे चक्कर लगाएगा, पहले तो एनआर त्रिज्या में चक्कर लगा रहा था फुल ऊर्जा से, जैसे जैसे ऊर्जा कम होती गई इसके, इसकी जो चाल कम होती जाएगी और ये त्रिज्या घटती जाएगी, घटते 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 क्या हो जाएगा, ये ऐसे चंद्रमा पर सतह पर गिर जाएगा। ठीक है, कौन गिरा रहा है, जो अंतरिक्ष से डस्ट के पार्टिकल, धूल के कण आ रहे हैं, उसे टकरा रहे हैं, उसकी चाल में कमी कर रहे हैं, वो विरोधी बल लगा रहे हैं। विरोधी बल ही है, जैसे ब्रेक लगाते हैं गाड़ियों में, ब्रेक लगाते हैं कि नहीं, तो ऐसे ही इसमें ब्रेक लग रहे हैं उपग्रह में। ब्रेक कौन लगा रहा है, ब्रेक भी तो बल ही होता है, ये वो बल, वो ब्रेकिंग बल है, ये एफ बराबर अल्फा बी स्क्वायर, इतना ब्रेक लगा रहे हैं। इस ब्रेक के कारण धीरे धीरे उसकी त्रिज्या कम होती जा रही है और यहां आकर गिर गया। तो प्रश्न ये है कि बताइए कि जब ये चंद्रमा से टकरा रहा होगा उस समय इसका वेग कितना होगा। ठीक है, तो हम यहां से स्टार्ट करें इस क्वेश्चन को, कौन इसको चंद्रमा पे ला रहा है, ये ला रहा है एफ बराबर अल्फा बी स्क्वायर। देखें एफ को लिख सकते हैं एम इंटू ए, ए माने त्वरण या मंदन, या मंदन हो रहा है। ठीक है, और ए को लिख सकते हैं डी वी बटा डी टी, ध्यान आ रहा है कुछ, एम डी वी बटे डी टी बराबर अल्फा वी स्क्वायर, ये यहां पर लिख सकते हैं। अच्छा, कितने समय में गिरेगा ये कह रहा है, या कितने समय तक ये नहीं पूछ रहा किस वेग से टकराएगा, क्वेश्चन ये है कि कितने समय तक ये चक्कर लगाता रहेगा, मतलब समय पूछा है। तो यहां से चक्कर लगाना शुरू किया था और गिर जाएगा, तो वो समय पूछा है कितने समय तक ये हवा में रहेगा या कितने समय बाद गिर जाएगा। चलिए एम डी वी बटे डी टी बराबर क्या हो गया, अल्फा बी स्क्वायर, समय निकालना है तो डी टी को इधर खींच लो और वेरिएबल सेपरेट कर लो, वेरिएबल सेपरेट का मतलब चर राशियों को अलग, यहां डी वी है, डी वी का मतलब बी के सापेक्ष अवकलन करना है या समाकलन करना है, समाकलन है ना, तो वी स्क्वायर को इस डी वी के साथ होना चाहिए, तो वी स्क्वायर को नीचे ले आओ। ठीक है, तो वी स्क्वायर को नीचे लाए तो ये बन जाएगा एम डी वी बटा कितना वी स्क्वायर बराबर अल्फा डी टी, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका वेग धीरे धीरे परिवर्तित होकर के नीचे आ रहा है, वो यहां पर गिर रहा है, तो एक काम कर सकते हैं इसका हम क्या कर लें, समाकलन कर लें दोनों तरफ। समय निकालना है तो समय की यहां लिमिट, सबसे पहले टी बराबर जीरो पर यहां था, टी बराबर जीरो पर यहां था तो एनआर त्रिज्या में चक्कर लगा रहा था ये, इसका वेग मान लो बी वन है। ठीक है, तो टी बराबर जीरो पर वेग कितना है बी वन, तो प्रारंभिक सीमा वेग की क्या होगी बी वन। टी समय में चंद्रमा पर आ गया ये, तो चंद्रमा पे भी टकराते समय भी तो चक्कर ही लगाता है, तो यहां पर अंतिम वेग हो गया कितना वी टू। जीरो समय पे वेग वी वन और टी समय पे वेग वी टू। अब मान लिखें एम तो नियतांक है, वन अपॉन वी स्क्वायर डी वी, मतलब ये हो गया वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष समाकलन क्या होता है, माइनस वन बाई एक्स होता है, मालूम है सूत्र, समाकलन वन अपॉन एक्स स्क्वायर ये होता है माइनस वन बाई एक्स, तो वन अपॉन वी स्क्वायर का क्या होगा वी के सापेक्ष, माइनस वन बाई वी, लिमिट क्या लग जाएगी वी वन से वी टू बराबर अल्फा, यहां कुछ नहीं है तो वन है, वन का टी के सापेक्ष क्या होगा टी, लिमिट लग जाएगी जीरो से टी। ठीक है, वन का एक्स के सापेक्ष एक्स, टी के सापेक्ष टी। अब इसमें हम जो लिमिट खोलें एम ब्रैकेट माइनस वन बाई वी, वी की जगह पहले क्या लिखते हैं ऊपरी सीमा, तो माइनस वन बाई वी टू, फिर माइनस लगाते हैं नीचे की सीमा लिखने के लिए, ये माइनस पहले से ही लगाए तो माइनस माइनस प्लस, और इस वी की जगह क्या आ गया
वी 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 वन बराबर अल्फा गुणा टी हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि टी माइनस जीरो टी, अपने को टी निकालना है तो बस एम से भाग दे दो, ये उत्तर आ गया। तो देखो टी बराबर क्या आ गया, ये सॉरी अल्फा से भाग दे दो, एम बटे अल्फा ब्रैकेट पहला वाला पहले लिख दो बी वन, वो जो बी वन वाला है, फिर माइनस वन अपॉन बी टू। अब अगर बी वन बी टू के मान पता चल जाए तो हमारा फाइनल उत्तर है। बी वन क्या है बताओ, बी वन का इधर प्रारंभिक वेग, ये है बी वन, तो बी वन मतलब ये कक्षा में घूम रहा है तो कक्षीय वेग होगा कितनी, कितनी त्रिज्या में, एनआर त्रिज्या में, तो बताओ कक्षीय वेग क्या होगा, कक्षीय वेग का सूत्र बताओ अंडर रूट जी एम अपॉन आर। तो यहां लिखते हैं बी वन का मान एम बटे अल्फा ब्रैकेट, बोलो बी वन का मान अंडर रूट जी एम बटे एन आर, रूट में है तो ऊपर ले जाए, अंडर रूट एन आर लिख दूं, लिख सकता हूं ऐसा अंडर रूट जी एम बाई एन आर लिखते हैं, वो एन आर ऊपर लिख दिया, क्या दिक्कत है, माइनस वन अपॉन वी टू, वी टू बताओ क्या लिखो। अब किधर आ गया ये चंद्रमा की सतह पर चक्कर लगाते लगाते, तो यहां वी टू वेग है, यहां भी कक्षीय वेग ही होगा, अब कितनी त्रिज्या कक्षीय वेग होगा आर का, तो बोलो क्या लिखूं, अंडर रूट जी एम बटे आर, तो आर ऊपर चला गया रूटा, ठीक है। अब बताओ कुछ कॉमन है, बोलो टी बराबर एम बटा अल्फा ब्रैकेट में, नहीं कॉमन ले लो, क्या कॉमन आ रहा है, अंडर रूट आर अपॉन जी एम, अंडर रूट आर अपॉन जी एम कॉमन, अंदर क्या बचा रूट एन माइनस वन, ठीक है यही उत्तर होना चाहिए। देखो मिलाओ एम अपॉन अल्फा अंडर रूट में आर अपॉन जी एम, वो ए एम है लिखा है, वो जी एम है, कैपिटल एम लिख देना, अंडर रूट आर अपॉन कैपिटल जी एम और ब्रैकेट में रूट एन माइनस वन, यही उत्तर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर टू करें, एक वस्तु हो गया सबका, क्या दिया है वैसे फिर भी जो नहीं कर पाए वो देख ले, एक वस्तु को पृथ्वी की सतह से फेंकने पर यह पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई प्राप्त करती है तो उस वस्तु का प्रक्षेपण वेग कितना होगा, एक वस्तु को फेंक दिया ऊपर कितनी ऊंचाई प्राप्त कर ली उसने, बोलो पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर की ऊंचाई उसने प्राप्त कर, पृथ्वी के बराबर की ऊंचाई प्राप्त कर ली है तो प्रक्षेपण वेग क्या होगा, बोलो कितनी ऊंचाई, जब हम वेग देते हैं तो h ऊंचाई पर देने के लिए वेग कितना होता है, जल्दी सूत्र बताओ, बोलो अंडर रूट टू जी एच बटे में वन प्लस एच बाई आर, टू जी एच की जगह कितना लिख दें आर लिख दें, क्योंकि पृथ्वी की ऊंचाई के बराबर उसने पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई प्राप्त की, अंडर रूट टू जी आर बटे आर बाई आर टू, अच्छा ये तो कर लिया था अंडर रूट जी आर आ जाएगा, लेकिन इस प्रश्न में वो जी आर का मान पूछा है, जी आर के पदों में नहीं दिया उत्तर, तो जी एम के पदों में दिया है, तो एक सूत्र होता है आपने जी एम बराबर पढ़ा है जी आर स्क्वायर, तो यहां से आप एक काम करो जी आर गुणा आर लिख लो, जी आर का मान लिख निकाल लो, अंडर रूट जी एम बाई आर आ जाएगा, तो यहां जी आर की जगह क्या लिख सकते हैं अंडर रूट जी एम बाय कैपिटल आर, ये उत्तर है, आर से भाग दे दिया जी आर का मान कितना हो गया अंडर ये कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइड बाय आर, जी आर स्क्वायर होता है ना, तो स्क्वायर को लिख दिया आर गुणा आर, तो जी आर का मान कितना हो गया जी एम बटे कैपिटल आर, यहां रख दो जी एम बाई कैपिटल आर। प्रश्न क्रमांक चार, चौथे में
इसने कहा कि एक धूमकेतु की सूर्य से अधिकतम और न्यूनतम दूरी क्रमशः आर मैक्सिमम कितना है? 8×10^12 मीटर और आर मिनिमम कितना है? 1.6×10^12 मीटर। जब यह सूर्य के पास होता है तो इसका वेग, सूर्य के पास होती है तो ये वाला कितना वेग है? वी मिनिमम। अच्छा, पास में तो वेग ज्यादा होगा, वी मैक्सिमम कितना आ जाएगा बोलो? 60 मीटर पर सेकंड। तो दूर होता है तो वेग निकालना है, क्या सूत्र लगाएंगे? कौन ये संवेग संरक्षण का सिद्धांत, क्योंकि इसमें होता क्या है, वस्तु जब घूम रही होती है तो कौन सा संवेग संरक्षित रहता है? कोणीय संवेग। जब कोणीय संवेग संरक्षित है तो हमने ये बताया था कि एम वी आर बराबर नियतांक। तो वी और आर में क्या संबंध रहेगा? वी व्युत्क्रमान पाती आर। ऐसा कर लो, V2/V1 = R1/R2। मान लिख दो V1, V2 और R के, बोलो कितना आ जाएगा? 12 आ रहा है। प्रश्न क्रमांक 5, पृथ्वी के केंद्र से R दूरी पर एक पिंड की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा U है, तो इस बिंदु पर बल क्या होगा? देखिए, बल का सूत्र होता है -du/dr। कितना होता है बल का सूत्र? F = -du/dr, यही सूत्र होता है। तो इसमें केवल परिमाण पूछे हैं उसने, तो F बराबर, ये माइनस वगैरह हटा दो, du की जगह u आ जाएगा और dr की जगह r आ जाएगा, तो u/r उत्तर है। देख लो कौन सा है, सेकंड। क्वेश्चन नंबर 10 बोला है मैंने आपको अभी, कौन सा, आठवां। एक कण अनंत से पृथ्वी पर गिर रहा है तो पृथ्वी की सतह पर पहुंचने पर इसका वेग क्या होगा? इसका उल्टा सोचो कि पृथ्वी की सतह से फेंकें तो अनंत पर चला जाए तो कितना वेग चाहिए होता है? √2gr चाहिए होता है। तो वहां से छोड़ देंगे तो इतने से ही गिरेगा, इसका उत्तर हो जाएगा √2gr। ठीक है, √2gr से ही गिरेगा। दसवा बोलो, हो गया दसवा। ग्यारहवा, ये कौन सा बोला है? चौदहवा नहीं आया। चौदहवा देख लो, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। चौदहवे में एक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ पर घूर्णन कर रहा है, यदि वीपी और वीए क्रमशः अभिसार और अपिसार पर ग्रह के वेग हैं तो दीर्घ व्रत की उत्केंद्रता क्या होगी? तो देखो, ये हो गया क्या दीर्घ व्रत, ये हो गया सूर्य, ये केंद्र हो गया, फोकस पे होता है ना सूर्य, तो ये फोकस हो गया। अब उसने कहा कि पृथ्वी यहां होती है या यहां होती है, ए पर होती है और बी पर होती है। एक है अभिसार, अभिसार यानी पास में, और अपसार यानी दूर। तो अभिसारी वेग दिया है वीपी, यानी वस्तु कहां रही होगी, ये पृथ्वी कहां रही होगी, पी पर रही होगी। ठीक है, ये दूरी क्या मान लू मैं, आर मिनिमम होती है कि नहीं, इसी पर वेग कितना है, वी पी। अभिसार यानी न्यूनतम दूरी पर, जब पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है तो वेग कितना है, वी पी है। अपसार, अपसार माने दूर, तो इसको ए मान लो, स्मॉल ए, अपसार। यहां पर वेग कितना है, वी ए है, और ये दूरी कितनी होगी, सूर्य से अधिकतम दूरी, आर मैक्सिमम। ठीक है, अच्छा केंद्र से और फोकस तक की दूरी क्या होती है, सी होती है, बताई थी, और यहां से यहां तक की दूरी क्या होती है, ए होती है, ये भी बताई थी। अब हम इसमें कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत लगाएं। कोणीय संवेग संरक्षण ये कहता है कि वी व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, आर, मतलब जहां पर दूरी कम है वहां वेग ज्यादा, जहां दूरी ज्यादा है वहां वेग कम। तो एक काम करें, हम वीपी बटे वीए निकालें यहां से, वीपी बटे वीए, बोलो क्या लिखेंगे,
व्युत्क्रमण पाती है, तो आर ए बटे आर, आर ए कौन सा बोलो, आर ए मतलब अधिकतम दूरी और आर पी कौन सी न्यूनतम दूरी, यही लिखोगे। बी व्युत्क्रमण पाती आर है तो वी पी बटे वी ए बराबर क्या, आर ए बटे आर पी। ए मतलब यहां से यहां तक की दूरी, क्या लिख दूं, आर मैक्सिमम लिख सकता हूं, और आर पी क्या है यहां से यहां तक, आर मिनिमम। ठीक बात है, इनको कुछ लिख सकते हैं आर मैक्सिमम, ए और सी के पदों में। आर मैक्सिमम को हमने क्या लिखा था, ए प्लस सी लिखा था, ध्यान आ रहा है, चलो ए प्लस सी ध्यान आ गया, अच्छी बात है। आर मिनिमम को ए माइनस सी लिखा था, ये भी ध्यान आ गया, अच्छी बात है। एक और उत्केंद्रता निकालनी है, तो उत्केंद्रता का सूत्र क्या था, सी बाई ए, तो सी बराबर क्या हो जाएगा, ई ए हो जाएगा, यहां रख दो सी की जगह ई ए, तो वी पी बटे वी ए बराबर क्या आया, ए प्लस सी की जगह ई ए बटे ए माइनस ई ए, ए कॉमन लेके कट जाएंगे ऊपर, क्या बचेगा, वन प्लस ई बटे वन माइनस ई, बचेगा कि नहीं। अब हमें तो ई निकालना है, तो एक तरीका तो यह है कि इसका इसमें गुणा कर लो, इसका इसमें गुणा कर लो और हल करके ई निकाल लो। एक तरीका और है, आपने योगांतर विधि पढ़ी होगी, ऊपर दोनों को घटा दो या जोड़ दो, नीचे भी दोनों घटा दो जोड़ दो, पढ़ी थी टेंथ में, कंपोडेंडो डिविडेंडो रूल। इसमें क्या करते हैं, अपने को ई चाहिए, तो देखो क्या ऊपर को घटाने, ऊपर इन दोनों को ऊपर घटा दूं तो मेरे पास ई आ जाएगा क्या, क्या रूल होता था, या तो चलो सिंपल अगर याद है आपको, तो ऊपर इन दोनों को जोड़ दो, वन प्लस ई और वन माइनस ई ऊपर जोड़ा तो माइनस ई और ई क्या हो गए, कट गए, क्या बचा, टू बचा, और नीचे अगर घटा दिया तो बोलो क्या बचेगा। आप ऐसा करें, योगांतर नियम ये होता है कि इन दोनों को ऊपर जोड़ो, वी पी प्लस वी ए, और नीचे क्या कर दो, घटा दो, वी पी माइनस वी ए, कर सकते हैं। इधर दोनों को जोड़ा ऊपर तो क्या हुआ, वन प्लस ई वन माइनस ई, तो प्लस ई माइनस ई कट गए, दो बचा ऊपर, नीचे घटाया, इस वन प्लस ई में से ये घटाया, माइनस वन और माइनस माइनस प्लस ई, ये कट गया, कितना आया, टू ई, दो से दो कट गया। अपने को तो ई निकालना है, तो पलट दो दोनों को, ई बराबर क्या आ गया, वी पी माइनस बी ए बटे में वी पी प्लस बी ए, यही तो उत्तर है। उत्केंद्रता ई बराबर क्या आ गई है, वी पी माइनस बी ए बटे वी पी प्लस बी ए। पृथ्वी की सतह पर प्रक्षेप का पलायन वेग कितना है, वी ई है। एक वस्तु को पृथ्वी सतह से कितने वेग, पृथ्वी सतह से 2VE वेग से फेंका, मतलब पलायन वेग से दोगुने वेग से फेंक रहे हैं, तो वस्तु पृथ्वी के केंद्र से अनंत दूरी पर है, तो वस्तु का वेग क्या है, पलायन वेग के डबल से फेंक रहे हो तो ये कहां पहुंचेगा, अनंत से भी आगे पहुंचेगा, तो अनंत पर वेग निकालना है। सूत्र वही वाला, अंतर आकाशीय वेग का क्या सूत्र था, वी डैश बराबर अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, तो वी कितना, टू वी डबल से फेंक रहे हैं, तो चार वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर कितना हो गया, अंडर रूट थ्री वी स्क्वायर, तो रूट थ्री वी, ये उत्तर आ जाएगा, सिंपल अंडर रूट थ्री वी आ जाएगा, तो इतना आसान है।